मित्रों, यह नाग साधना के नौ रूप अपने आप में तीक्ष्ण है। यह जहां आपको धन आदि लाभ, भौतिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ भी देते हैं। जैसे आसन की स्थिरता शेष नाग देते हैं और मन के विकारों पे विजय दिलाते हैं, नाग साधना से दूरदर्शिता बढ़ती है, ज्ञान चक्षु विकसित होकर खुल जाते हैं। दूरदर्शन सिद्धि, दूर श्रवण सिद्धि, भूगर्भ सिद्धि, कायाकल्प, मनोवशित, रूप परिवर्तन, गंध त्रिमात्र, लोकाध लोक गमन आदि ऐसी बहुत सी सिद्धियां जो नाग कृपा से, नाग साधना से प्राप्त की जा सकती है, मगर इसके लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। जहां भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए एक एक दिन की नौ साधना जा रही है, जो बहुत सरल और जल्द सिद्ध होने वाली है। नाग साधना अति शीघ्र फल देती है, इसलिए साधना को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करनी चाहिए। अब चलिए नाग पूजन एवं नाग बलि विधान। मित्रों, यह नाग पूजन दुर्लभ माना गया है, यह हर नाग साधना में जरूरी है। जहां तक ज्योतिष का सवाल है, बहुत ज्योतिषी आजकल कालसर्प योग का भय दिखाकर मनचाहा धन लेते हैं और पूजा के नाम से आपसे मोटी रकम ले जाती है। लेकिन इस पूजन से हर प्रकार का नाग दोष और नाग भय हट जाता है, यह बात मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, क्योंकि यह पूजन मैंने सैकड़ों लोगों को कराया है और उनके नाग दोष का शमन किया है। नाग पूजन इसलिए भी देना उचित समझता हूँ, क्योंकि आगे आने वाली नव नागों की साधना में यह पूजन आधार स्तंभ का काम करेगा। इसलिए आप अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखते हुए नाग साधना करें और पूजन से भी लाभ लें। पहले वीडियो में जो नव नाग रहस्य बताया गया है, उसमें दी गई हर साधना का पूर्ण लाभ लेने के लिए यह पूजन बहुत महत्व रखता है। यह हर साधना में आएगा और अगर आप कुंडली में नाग दोष की वजह से परेशान हैं, तो भी यह पूजन करें, इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जो साधक साधना करना चाहते हैं, वो इस नाग पूजन को साधना के वक्त करें। जो सिर्फ कुंडली के दोष निवारण के लिए करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि नव नाग का निर्माण करें या बाजार से पूजा की दुकान से नाग खरीद लें, जिसमें दो सोने के नाग छोटे छोटे सुनार से लें और दो चांदी के सर्प लेने हैं, दो ताबे के, दो सिक्के के मतलब लेड़ के, एक आटे को गूंथ कर उसका सात मुख का नाग बना लें। उस नाग को थोड़े गर्म घी में भिगोकर उस पर सफेद तिल लगा दें, जो पूरे नाग पर लगे हों। उसके फन पर या उस पर सात कौड़ी रख दें, उसे कुशा के आसन पर रखें या एक केले का पता लेकर उस पर थोड़ी कुशा बिछाकर उस पर रख दें, जो वेदी के ऊपर रहेगा। इसके साथ ही जमीन पर रेत बिछाकर एक पूजन वेदी का निर्माण करें और उसमें नवग्रह मंडल और नाग पीठ का निर्माण करें। नाग पीठ में मध्य में एक अष्ट दल कमल बनाएं और उसमें जो नाग आप बाजार से लाए हैं, उन्हें एक पात्र में स्थापित कर देना है। और नवग्रह यंत्र का निर्माण भी आटे और हल्दी की मदद से बना लेना है। उसी पीठ में स्वस्तिक बनाकर श्री गणेश की स्थापना करनी है, साथ ही ओम शिव षोडश मातृका, पितृदेव वास्तुदेव आदि का स्थापन करना है। सबसे पहले कलश आदि स्थापित कर गुरु पूजन करें, फिर गणेश, ओंकार, शिव षोडश मातृका और नवग्रह, पितृदेव और वास्तु देवता का पूजन यथा योग्य सामर्थ्य अनुसार करें, फिर प्रधान देव पूजन करें। ध्यान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। अनंत पद्म पत्राथम फणान्येक तो ज्वलम दिव्यांबर धरम देवम रत्न कुंडल मंडितम नाना रत्न परिक्षिप्तम मकुटम उतिरंजितम फणामणिस हस्रोदय रसंख्य पन्नगोत में नाना कन्या सहस्रे समन्ता परिवारितम दिव्याभरण दीप्तागम दिव्य चंदन चर्चितम कालाग्निमिव दुर्धशर्म तेज सादित्य सन्निभम ब्रह्मंडाधार भूतम त्वाम यमुनातीर वासितम भजेहम दोष शंत्यत्र पूजे कार्य साधकम आगच्छ काल सर्पख्या दोष आदि निवारे। आसन मंत्र। नवकुलाधिपम शेषम शुभ्र कच्छप वाहन नानारत्न स्मायुक्तम आसन प्रति गृहाता। पाद्म मंत्र। अन्तप्रिय शेषम च जगदाधार विग्रह पाद्म ग्रहाणम त्यात्वम कादर्वे नमोस्तुते।
अर्घ्य देने का मंत्र काश्यपेयम महाघोरम मुनिभिवर्दिन्तम प्रभो अर्घ्यं गृहान सर्वज्ञ भक्तय माम फलंदया। आचमनी करने का मंत्र सहस्रफ नरूपेण वसुधाधारक प्रभो गृहान आचमनम दिव्यम पावन च सुशीतलम। पंचामृतम स्नानम पंचामृतम गृहाणेदम पावन स्वभिषेचन बलभद्रावतारेश शेय कुरु मम प्रभो। वस्त्र अर्पण मंत्र कौशे युगम देवेश प्रीत्या तव मयार्पितम पन्नगाधीश नागेन्द्र तचर्य शत्रो नमोस्तुते। यज्ञोपवीतम मंत्र सुवर्ण निर्मितम सूत्रम पीतम कंठोपाहारकम अनेकर्तन संयुक्तम सर्पराज नमोस्तुते। अथ अंग पूजा मंत्र अब चंदन से अंग पूजा करें। सहस्रफनाधारिणे नमः पादौ पूजामि अनंदाय नमः गुल्फौ पूजामि विषदंताय नमः जंधौ पूजामि मंदते नमः जानु पूजामि कृष्णाय नमः कटिं पूजामि पित्रे नमः नाभिं पूजामि श्वेताय नमः उदरं पूजामि उर्गाय नमः स्तनौ पूजामि कलिकाय नमः भुजौ पूजामि जंबुकंठाय नमः कंठं पूजामि दिजहवाय नमः मुख पूजामि मणिभूषणाय नमः ललाटं पूजामि शेषाय नमः सिरं पूजामि अनंताय नमः सर्वांगान पूजामि। गंध अर्पित मंत्र कस्तूरी कर्पूर केसराढ़्यम गोरोचन चागर रक्त चंदनम श्री चंद्राढ़्यम शुभ दिव्यम गंधम गृहाण नागाप्रिय मयार्तितम। अक्षतान अर्पित मंत्र काश्मीर पंकलित प्राष्ट शलेमान अक्षतान शुभान पातालाधिपते तुभ्यम अक्षतान त्वं गृहान प्रभो। पुष्पम अर्पित मंत्र केतकी पाटल जाते चंपके बकुलादिभ्य मोग्रह शतपत्रष्ट पूजितो वर्दो भव। धूप दीप मंत्र सौभाग्यं धूपम दीपम च दर्शयामि। नैवेद्यम मंत्र नैवेद्या गृहाताम देव क्षीराज्य दधि मिश्रितम नाना पकवान संयुक्तम पयसम शर्करायुतम फल तांबूल दक्षिणाम पुष्पांजलि नमस्कारम अनंत संसार धरप्रियताम कालिंज वासक पनगाधिते मोसिस देवम कृपणम हि मत्वा रक्षस माम शंकर भूषणेश। एक आचमनी जल चढ़ाते हुए अगर कोई कमी रह गई हो तो उसकी पूर्णता के लिए प्रार्थना करें। अन्या पूजन कर्मणा कृतेन अनंतः प्रियताम राहु केतु सहित अनंताद्दाभित देवा प्रियतम नमः। केवल साधना करने वाले साधक यहाँ तक पूजन कर साधना कर सकते हैं, लेकिन जो कुंडली के दोष या कालसर्प दोष शांति के लिए विधान कर रहे हैं वह आगे पूरा कर्म करें। पूजन के पश्चात आप दिए जा रहे नव नाग गायत्री से 1008 आहुति किसी पात्र में अग्नि जलाकर अजय आहुतियां देने के बाद दें। मंत्र इस प्रकार है ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदया। अथ नाग बलि विधान। उसके बाद नाग बलि कर्म करना चाहिए। इसके लिए एक पीपल के पत्ते पर उड़द चावल दही रखकर एक रुई की बत्ती बनाकर रखें और उसका पूजन कर नाग बलि अर्पण करें। प्रधान बलि मंत्र ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केन पृथ्वी मन ये अंतरिक्षे ये दिवोतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अनंत वासुकी शेषम पद्मं कम्बलमेव च धृतराष्ट्रं शंखपालं कालियं तक्षकं तथा पिंगल च महानाम मासी मासी प्रकीर्तितम्। अब नैऋत्य दिशा में सभी भूत दिक्पालों को बलि अर्पण करें। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है सर्वदिग् भूतेभ्यो नमः गंध पुष्पम समर्पयामि सर्वदिग् भूत बलि द्रव्यये नमः गंध पुष्पम समर्पयामि हस्ते जलमादाये सर्वदिग् भूतेभ्यो नमः इदं बलि नवेद्यामि। नमस्कार मंत्र सर्वदिग् भूतेभ्यो नमः नमस्कार समर्पयामि अन्या पूजन पूर्वक कर्मणा कृतेन सर्वदिग् भूतेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पाजलि ओम यज्ञेन यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। प्रदक्षिणा मंत्र यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे इति श्री नाग बलि विधानं संपूर्णय। विष निर्मलीकरणम मंत्र। अब दिए जा रहे मंत्र पढ़ते हुए हाथ में जल लेकर सभी नागों पर छिड़कें और इस मंत्र का 11 बार या 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है सर्पाप सर्प भद्रमते गच्छ सर्प महाविष जन्मेजस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचन स्मर आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते श्रद्धाभिद्यते मूर्ध्नि शिशम वृक्ष फलम यथा। अथ सर्प वध प्रायश्चित कर्म करे। अगर मन हृदय में ऐसा विचार हो कि मेरे द्वारा सर्प वध हुआ है
कई विद्वान मानते हैं कि कुंडली में सर्प दोष या नाग दोष, जिसे लोग काल सर्प योग भी कहते हैं, तभी लगता है जब पूर्व जन्म में यास्व अथवा आपके पूर्वजों से सर्प वध हुआ हो। उसकी शांति यह कर्म करने से हो जाती है। संकल्प देश कालो संकीर्त्या सभार्यस्य ममेह जन्मनि जन्मांतरे वा ज्ञानाद अज्ञानदाजात सर्पवधोत दोष परिहाराथर्म सर्प संस्कार कर्म करिषे। अब आटे से बनाए हुए नाग को हाथ में अक्षत लेकर प्रार्थना करें कि हे पूर्व काल में मरे हुए सर्प, आप इस पिंड में आ जाएं और अक्षत चढ़ाते हुए उसका पूजन करें। पूजन आप फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करें और नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें कि हे सर्प, आप बलि ग्रहण करो और ऐश्वर्य को बढ़ा। फिर उसका सिंचन घी देकर करें। फिर विधि नामक अग्नि का ध्यान हवन कुंड में करें और संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम व गोत्र बोलें और कहें, इस सर्प संस्कार होम रूप कर्म के विषय में देवता के परिग्रह के लिए अनुवाधान करता हूँ। अब ओम भू स्वाहा अग्ने इदम बोलकर तीन आहुतियाँ दें और ओम भू भूर्व स्व स्वाहा कहकर चौथी आहुति सर्प के मुख में दें। फिर सुरवे में घी लेकर सर्प को सिंचन करें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए जल से पोषण करें और दिए जा रहे प्रार्थना मंत्र को ध्यान पूर्वक पढ़े। जो अंतरिक्ष पृथ्वी स्वर्ग में रहने वाले हैं, उन सर्पों को नमस्कार है। जो सूर्य की किरण जल इसमें विराजमान है, उनको नमस्कार है। जो यातुधानों के वाण रूप है, जो वनस्पति और वृक्षों पर सोते हैं, उनको नमस्कार है। हे महाभोगिन, रक्षा करो, रक्षा करो, संपूर्ण उपद्रव और दुख से मेरी रक्षा करो। पुष्ट जिसका शरीर है, ऐसी पवित्र संतति को मुझे दो। कृपा से युक्त आप दीनों पे दया करने वाले, आप मेरी रक्षा करो। जो ज्ञान व अज्ञान से मैंने या मेरे पितरों ने सर्प का वध इस जन्म या अन्य जन्म में किया हो, उस पाप को नष्ट करो और मेरे अपराध को क्षमा करो। अब उस नाग को होम अग्नि में भस्म कर दें और स्नान कर लें। अब जो सोने ताबे चांदी के सांप बनाए थे, उन्हें नजदीक किसी नदी में मंत्र तीन बार पढ़कर विसर्जन कर दें। यह मंत्र अति गोपनीय है। नाग विसर्जन मंत्र। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिश्वः तेभ्यो दशप्रचि देशादक्षिणा दशप्रीचिर् दशोदीचिर् दशोर्दुध्वा तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडायन्तु ते यन्द्रविष्मो यष्टिनो द्विष्टित्मेषा जम्भेद्मः। जहाँ दिवि बोला गया है, दूसरी बार जब पढ़े तो अंतरिक्ष और तीसरी बार पृथ्वी घोष करें। इसके साथ ही इस कर्म में सर्प सूक्त का पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। श्री सर्प सूक्त। ब्रह्मलोकेषु ये सर्पा शेषनाग परोग्मा नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। इंद्रलोकेषु ये सर्पा वासुकी प्रमुखाद्यः नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। कदर्वेश्च ये सर्पाः मातृभक्ति परायणा नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। इंद्रलोकेषु ये सर्पाः तक्षका प्रमुखाद्यः नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। सत्यलोकेषु ये सर्पाः वासुकिना च रक्षिता नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। मले चैव ये सर्पाः कर्कोटक प्रमुखाद्यः नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। पृथिव्यां चैव ये सर्पाः ये साकेत वासिता नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। सर्वग्रामेषु ये सर्पाः वसन्तिषु संचिता नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। ग्रामे वा यदि वारणे ये सर्प प्रचरन्ति नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। समुद्रतीरे ये सर्पाय सर्पा जलं वासिनः नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा। प्रसातलेषु ये सर्पाः अनन्तादि महाबलाः नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।